हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर कोई ये वीडियो इस टाइप का नहीं शेयर करता है, बट मैं अपनी खुशी के लिए कि मैं कभी भी देखना चाहूँ तो उस वीडियो को हमेशा मेरी मेमोरी में रहेगा कि मैं जब भी चाहा तो देख सकती हूँ। और भी सारे लोग जो मेरे ज़्यादा करीब हैं और उनको देखना है, और मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है अभी तक, बट मैं इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाने में। तो आज के वीडियो में स्पेशली ये है कि मैं आपके साथ अपने बेबी का अल्ट्रासाउंड फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम अपने बेबी का जो अल्ट्रासाउंड फ़ोटो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी मुझे बेबी भी हो जाएगा तो मैं उसकी भी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्वैग विद स्वाति। और फ्रेंड्स, जो भी मेरी एक्सपीरियंस रहा है और उसकी जो मुझे इमेजेस रिसीव हुई है आफ्टर अल्ट्रासाउंड, तो मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे उस टाइम पे क्या क्या फील हुआ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई अदर कंट्रीज़ में रहने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए आफ्टर वन मंथ के बाद जो होता है वो मैंने कराया। तो सबसे पहला फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी को कन्फर्मेशन के लिए होता है, तो मैंने वो ये कराया था। और जब ये वाला अल्ट्रासाउंड कराया तो इसमें मुझे बेबी को उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि आपको एक सिंगल बेबी है। ये जो आपको पास से मैं दिखाती हूँ, पास ही जो प्लस के दो सिंबल्स दिख रहे हैं इसके बीच में जो है, तो वो बेबी है। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि बेबी वन है। वो अल्ट्रासाउंड करते जा रहे थे डॉक्टर और बताते भी जा रहे थे। बाद में थोड़ा सा ये रहता है माइंड में, माइंड सेटअप रहता है इस टाइप से कि फॉरेन में बता देते हैं बेबी बॉय है या गर्ल है। तो ये मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था डॉक्टर से पूछने का कि बेबी बॉय है या गर्ल है। बट जिन डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया उनको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी, उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे पूछ पाया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि क्या है। इशारे से मना किया और बस इशारे से बताया कि आपको सिंगल बेबी है और हेल्दी है। तो मैं कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैंने उनसे एक बार और कन्फर्म किया कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है ना, तो उन्होंने इशारे से बोला सब कुछ ओके है, सही है, और मैं वापस आ गई। कोई नहीं, फिर जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर से दिमाग में वही था कि इस बार जाएंगे डॉक्टर के पास तो मुझे फिर से पूछना है उनसे बेबी बॉय है या गर्ल है। तो बार बार ये दिमाग में रहता था कि अरे यहाँ तो बता देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। बट सेकेंड अल्ट्रासाउंड में बेबी कुछ इस टाइप से पूरा देख रहे दिखेगा आपको, तो इस टाइप से पूरा बेबी दिख रहा था अल्ट्रासाउंड कराने के बाद। तो मेरे दिमाग में फिर से वही चल रहा था कि डॉक्टर सब कुछ बता रहे हैं बट ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है, और बाकी चीज़ें बताई, सब कुछ हेल्दी था, नॉर्मल था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी मेरे साथ, तो सब ठीक ठीक था। बट डॉक्टर से जब मैंने लास्टली ये पूछा कि मुझे बेबी बॉय है या गर्ल है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अभी तो कंफर्म नहीं कर सकता बट मुझे डाउट है कि आपको बॉय लग रहा है मुझे। बट जो मेरे सेकंड टाइम वाले डॉक्टर थे वो इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे बात करने में। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर की, सब कुछ पूछा उनसे, सब वो खुद ही बताते जा रहे थे जो चीज़ देख रहे थे, तो वो सब कुछ बेबी के बारे में बता रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, क्या क्या डेवलप हो चुका है, क्या क्या डेवलप आगे होगा। तो इस तरह से मेरे जो डाउट्स थे वो थोड़े थोड़े क्लियर होते जा रहे थे। और उन्होंने साथ में ये भी बोला मुझे कि मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बेबी बॉय है या गर्ल है। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा भी कि पता नहीं क्यों इनको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पूछ रही हैं बार बार बेबी बॉय है या गर्ल है। बट मैं कहा मेरे को एक्साइटमेंट है, बोले आप क्या चाहते हो, मैं कहा मेरा तो फर्स्ट बेबी है, मेरा बॉय हो या गर्ल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे एक्साइटमेंट है बस जानने का। और इस तरह से मैं सेकंड वाला अल्ट्रासाउंड भी करा के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में होता है वो वाला हो जाने के बाद मैं वापस आ गई। बट थोड़ा सा ये समझ में आया कि अब मुझे जहाँ जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए
वहाँ पे डॉक्टर इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे बात करने में, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स हो गया इस चीज़ के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा था और मेरे हस्बैंड को अंदर जाने भी नहीं दिया उन्होंने, तो थोड़ा सा ये भी था मन में कि हस्बैंड को अंदर जाने देते तो और भी अच्छे से सारी चीज़ जो हम भूल गए नहीं पूछ पाए तो शायद वो पूछ सकते थे, बट कोरोना की वजह से क्लिनिक के अंदर ही नहीं जाना किसी को अलाउ था तो हस्बैंड हमारे बाहर ही वेट करते रहे, बट सब कुछ ठीक था, उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल, तो सेटिस्फाइड हो जाने के बाद हमने आके अपने हस्बैंड को बताया सब कुछ अच्छा अच्छा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फ्रेंड्स जब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला अल्ट्रासाउंड कराने गई तो सेम डॉक्टर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इजीली कम्युनिकेशन हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे और सेम पहले वाले अल्ट्रासाउंड की तरह मुझे वो सारी चीज़ें जो जो देख रहे थे सब कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे और पहले के जैसा सब कुछ नॉर्मल था, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी और बेबी की फ़ोटो भी उन्होंने मुझे दिखाई, तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। तो इस टाइप का मेरा पूरा सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी दिख रहा था और डॉक्टर ने बताया क्या क्या डेवलप हो गया है, क्या क्या और डेवलप होना बाकी है और जो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वो कन्फर्म करेंगे कि मुझे बेबी बॉय है या गर्ल है, तो उन्होंने बताया कि मुझे बेबी बॉय है और प्रॉमिस भी किया कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको बेबी बॉय ही है, तो जो एक्साइटमेंट थी वो वहाँ पर थोड़ी कम हो गई, बट थोड़ा सा मन में हमेशा एक्साइटमेंट ये भी रहती थी कि अब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होगा, हम अपना बेबी कब देखेंगे, तो वो भी उस टाइम थोड़ा शांत हो गई और उतनी ज़्यादा क्लियर फ़ोटो नहीं आया जितना क्लियर मैंने वहाँ पर देखा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे फील हुआ। मैं घर आके तुरंत अपने इन लॉज को और पेरेंट्स को फ़ोटो दिखाया बेबी का, तो सभी लोग मेरी तरह या मेरे हस्बैंड की तरह सारी ये चीज़ें बातें होने लगी, फिर कुछ टाइम तक ये चलता रहा, डेली बातें होती रहीं। फिर जब मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर वाला अल्ट्रासाउंड कराया तो फाइनली क्लियर हुआ कि बेबी बॉय है, वो तो क्लियर ही हो गया था बट साथ में ये क्लियर हुआ वो मेरे हस्बैंड के जैसे ज़्यादा दिखता है, मेरे जैसा कम दिखता है, तो काफ़ी मतलब अच्छा सा था। जो इस बार डॉक्टर थी वो चेंज हो चुकी थी, वो लास्ट टाइम वाले डॉक्टर नहीं थे और उनका भी इंग्लिश स्पीकिंग था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने भी मुझे सारी चीज़ें हार्ट बीट वगैरह भी सुनाई और बेबी को दिखाया, उसका हाथ पैर फेस और किडनी हार्ट सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताया और सब कुछ बोला नॉर्मल है, सब कुछ गुड है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अच्छा अच्छा है। आपको बेबी का फ़ोटो दिखा देते हैं, पहले थर्ड ट्राइमेस्टर वाला बेबी का फ़ोटो ये है, ये वाला फ़ोटो डॉक्टर दिखा नहीं रही थी एक्चुअली, पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने सबसे लास्ट में ये दिखाया फ़ोटो, पूरा अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने इस बार और लास्ट टाइम मुझे CD वगैरह नहीं दिया था, इस बार मुझे CD भी दिया है कि उसमें सारी और भी डिटेल्स हैं बेबी के बारे में जो हर चीज़ पेपर्स पे नहीं लिख कर दे सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स हैं तो वो देख सकते हैं और ये इमेजेस भी हैं और जो ये कलरफुल इमेजेस हैं जो मैंने डॉक्टर से मांगी कि मुझे स्पेशली ये चाहिए चाहिए क्योंकि मुझे अपने इन लॉज को और पेरेंट्स को दिखानी रहती हैं कि बेबी कैसा दिख रहा है और जो एक्साइटमेंट है उन लोगों के अंदर वो भी हर बार रहती है कि सभी को देखना है कि बेबी आप कैसा दिख रहा है, आप कैसा दिख रहा है, कितना डेवलप हो चुका है, तो जब थर्ड ट्रेमेस्टर का हुआ था तो बेबी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका था, कुछ चीज़ें थी वो नहीं डेवलप हुई थी बट ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका था बेबी और सब कुछ हेल्दी था, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था। डॉक्टर ने लास्टली मैंने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, सब कुछ नॉर्मल है और ओके है, बोली हाँ सब कुछ अच्छा है और गुड है और कोरोना चल रहा है अभी क्योंकि ख़त्म तो हुआ नहीं था तो हमेशा की तरह हस्बैंड को अंदर जाने को नहीं मिलता, अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसा है कि आपके हस्बैंड आपके साथ अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो वो वहाँ रह सकते हैं प्रेजेंट, बट कोरोना के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं और लैंग्वेज का प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा रहता है तो वो थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग वाले अगर डॉक्टर रहते हैं तो अवॉइड हो जाता है, अदरवाइज़ ये वाली प्रॉब्लम तो कई बार फेस करनी पड़ती है, कई जगह फेस करनी पड़ती है और बट ठीक है सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर, मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।